फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साइपॉन सिरप, यानी साइफॉन मल्टीविटामिन सिरप है, जो कि एपेटाइट के लिए यूज़ होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख जिसको नहीं लगती है, उसको ये सिरप आप 30 ml रोज़ देने से उसके उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और उसकी जो एपेटाइट है वापस लौट आएगी, यानी उसको भूख लगने लगेगी और उसके जो शरीर में खाना नहीं लग रहा था वो लगने लगेगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, एडल्ट्स में और सबसे ज़्यादा औरतों और लड़कियों में देखने को मिलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है, और भूख लगती भी है तो खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट वगैरह नहीं हो पाता और लगता नहीं है। तो इस सिरप्स की यूज़ से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल सिरप है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है साइपॉन। साइपॉन सिरप जो है एक कंपनी बनाती है, मैं आपको इस कंपनी का नाम बताता हूँ और पूरा रिव्यू हम इस वीडियो में इसका करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इसका सबसे पहले कंपोजिशन दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड और ट्राइकोलिन सिट्रेट और सॉर्बिटॉल सिरप। ये तीनों मिल के आपके अंदर ब्लड फॉर्मेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं और साथ ही साथ आपको आपके भूख में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके यूज़ से क्या होता है कि आपके जितने सारे विटामिन की कमी वगैरह और हीमोग्लोबिन की कमी वगैरह ये भी दूर होती है। तो इसके अंदर हम इनसाइड द आईज के बॉक्स के अंदर देखते हैं कि हमें किस तरह का पैकिंग मिलता है, जो सिरप है वो किस तरह के पैकिंग में पैक है। ये देखिए, ये इस तरह का पैकिंग है इस सिरप का, और साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह का पैकिंग मिलता है। ये सिरप जो हमारी आती है साइपॉन के नाम से, इस तरह का इसका पैकिंग आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो इसको जेनो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बिना एक सलाह देना चाहूँगा कि बिना किसी डॉक्टर के इसको आप खुद से ना लें। और इसका जहाँ तक प्राइस की बात करें तो प्राइस 104 रुपये इसका प्राइस है, और आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, किसी जब आपको कोई भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेगा तो। और इसका मेन यूज़ हमने बता रखा है कि ये लॉस ऑफ एपेटाइट यानी जिसको भूख नहीं लगती हो ये इसका यूज़ कर सकता है। इसका स्टैंडर्ड डोज़ हम आपको बता देते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डोज़ आपको कितना लेना है। यहाँ पे इसके बॉटल डोजेज लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। यहाँ पे आप जब किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, जब वो आपको ये प्रिस्क्राइब करेगा तो आपको ये डोज़ ज़रूर बताएगा कि कितना आपको इसका डोज़ लेना है। जहाँ तक इसका हम लोग इसका डोज़ बताते हैं कि किसी भी एडल्ट के लिए ये 30 ml दिन भर में 2 बार वो ले इसको 30 ml के अमाउंट में, तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है और उसको जो भूख न लगने की जो बीमारी है वो उसको दूर करता है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।